मनपा संचालित शाकभाजी मार्केट ने खोलवामां नहीं आवता मोटी संख्या में वेपारी एकत्रित थया हता ने मनपा द्वारा तात्कालिक शाकभाजी मार्केट खोलवामां आवे तेवी मांग करी हती। एक तरफ देश में अनलॉक बे नी शुरुआत थई छे ने आर्थिक गतिविधि नी तेमज करवा केंद्र सरकारे अनलॉक नी बे नी शुरुआत थई गई छे। एक तरफ रातना 8 वाग्या सुधी दुकान खोलवा सरकारे जाहेरात करी छे, ज्यारे बीजी तरफ શહેરના પાંડેસરા વિસ્તારમાં આવેલા હાઉસિંગ મનપા સંચાલિત શાકભાજી માર્કેટમાં લોકડાઉનના સમયથી બંધ રહેતા શાકભાજી વેપારીઓને ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે। માર્કેટ નહીં ખોલવામાં આવતા બુધવારે મોટી સંખ્યામાં વેપારીઓ એકત્રિત થયા હતા અને શાકભાજીના માર્કેટ ખોલવા તંત્રને રજૂઆત કરી રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો। बैठने नहीं देते, बार बार के लोग आके लारी लगा के चले जाते, धंधा करके चले जाते और हम 400 में से कम 200 व्यापारी ऐसे हैं जो सुबह और शाम आते जाते हैं, लेकिन हमारी कोई परिस्थिति को कोई समझता नहीं है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, हम लोग खिलाएं क्या? हमारी मजबूरी ऐसी हो गई है साहब कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आज यहाँ पे क्या घटना हुई? आज यहाँ हमको बुलाया गया सुबह 7 बजे से, बोले तुम आओ आज तुम्हारा मार्केट खुलेगा। हम लोग को सुबह 7 बजे से आके अभी हम लोग नहाया नहीं, खाया नहीं, धोया नहीं, कुछ नहीं, सुबह 7 बजे से इधर बैठा है सब। कोई कोऑपरेटर नहीं कि कोई पुलिस वाला नहीं कि कोई हमारी फरियाद लेता नहीं है। आज तक अभी 7 बजे 7 हो गया, 12 घंटे हो गया साहब, हम लोग बिगर नहाए धोए बिगर खाए पिए इधर बैठे, ऐसा में कैसा चलेगा? बाहर की लारी अलग गल्ला हम लोग बंद कराते हैं तो हम लोग को मारने के लिए आ रहे साहब। खाली हमारे मार्केट में एक आदमी है जो मार्केट का सत्यानाश करके बैठे है, एक आदमी है खाली। हम लोग चालू कराने को सोचते हैं और वो बंद कराने को सोचता है। फोन कर देते हैं ऑपरेटर को, फोन कर देते हैं, चालू कराते हैं और उधर वो फोन करके बंद कराता है। ऐसा दादागिरी कब तक चलेगी सर? हमारी गरीबों की मांग पूरी कराओ। बंद करवाता हूँ आदमी को, आप जानते हो क्या? मार्केट का ही आदमी है और किधर का आदमी नहीं है, मंडी का आदमी है, वही बंद कराता है। उसके साथ में पुलिस वालों को उसने खरीदा है, कोऑपरेटरों को उसने खरीदा है, सब कुछ किया है। आज हमारी हक पूरी हो गई, हमको न्याय चाहिए। लोग की मांगनी है कि मार्केट काफी दिनों से बंद है, पिछले 4 महीने से बंद है जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, और सरकार ने जब से अनलॉक 1 किया था उसमें सारी चीज़ों की सुविधा दी गई है, उनको सब चीज़ खोलने का परमिशन मिली है, पर लेकिन सब्जी वालों को खाली परमिशन नहीं मिली है, ये समझ नहीं पड़ रहा है। लोगों को बाहर सब्जियां मिल जा रही है रोड पे, लेकिन वहाँ उनको ना म्यूनसिपाली को दिख रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का कारण है और ना सरकार को दिख रहा है। लेकिन हम लोग यही चीज़ सरकार से भी कहना चाहते हैं कि सर हमारी मार्केट चालू करें, हम मार्केट में आपके नियम कानून से ही पालन कर रहे हैं और वहाँ अपने स्वयं खर्चों से मार्केट में सैनिटाइजर की मशीन भी लगाई थी और ऑड एंड इवन एक ही बेकी की संख्या में भी हम लोगों ने अपने मार्केट चालू रखने की फरियाद भी की थी। इसके बारे में हमने पायदारी भी लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज़, सूरत।